सो चलिए गाइस, हमारा टॉपिक है आज का यू नो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। राइट डाउन, मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फेज, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू फेज। एक्चुअल में वो किसके फेज पर डिपेंड करता है, मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू फेज, अब किसके फेज पर, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला तो क्या चाहिए आपको, सॉल्यूट चाहिए कि नहीं। दूसरा आपको चाहिए सॉल्वेंट। अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ले लें और उनको क्या करें, मिक्स करें, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी सॉल्यूशन में, होमोजेनियस सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट एक ही होता है लेकिन सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, एंड ओनली वन सॉल्वेंट, एक ही सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। गाइस कई बार पूछते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, दोज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच हैव ओनली वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट। अगर सिर्फ एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट हो तो उसे हमें बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सो सबसे खास बात पर आते हैं, आपके सॉल्यूशन का जो आपने तैयार किया है उसका जो फेज होता है वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके सॉल्वेंट पे, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। हमें पता है कि सॉल्यूट कैसा होता है, स्मॉलर क्वांटिटी में होता है, वी ऑल नो, और सॉल्वेंट कैसा होता है, लार्जर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। सो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा है एक्चुअल में सॉल्यूशन की फेज उसी पे डिपेंड करती है, यानी कि सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो बड़े ध्यान से इसको देखिए, इसका मतलब समझें। आपने घर पे कभी शिकंजी बनाई होगी, बनाइए तो उसमें क्या करते हो, आप पानी लेते हो विच इज इन लिक्विड फॉर्म, वो हमारे लिए सॉल्वेंट है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। फिर शुगर लेते हो विच इज सॉल्यूट, वो एक सॉलिड है। लेकिन जब आप शुगर को घोल देते हो तो जो शुगर है वो अपना जो फिजिकल स्टेट है वो खो देती है। हमको सबको पता है कि शुगर का स्टेट होता है कैसा, सॉलिड। लेकिन शिकंजी आप मीठा पानी बनने के बाद आपको क्या शुगर सॉलिड स्टेट में दिखाई देती है, नहीं। लेकिन क्या पानी ने अपना फेज खोया क्या, नहीं। तो सॉल्वेंट अपना फेज नहीं खोता है लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्यूट अपना फेज खो देता है। उसका नेचुरल फेज कैसा था, सॉल्यूट का, सॉलिड था, वो उसने अपना खो दिया। सो फाइनली सॉल्वेंट, और एक्चुअल में आप खुद से देखिए, जो मीठा पानी आपने तैयार किया उसकी फेज कैसी निकली, लिक्विड। जो आपने सॉल्वेंट लिया वो कैसा था, लिक्विड। तो एक्चुअली सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशन का फेज। सबको समझ में आ गया, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उस पर डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से देखें तो टोटल नौ तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे, टोटल 9 kinds of solution, ठीक है, 9 kinds of solution। तो वो हमें चेक करना है, ठीक है। सो बड़े ध्यान से इसको देखिए, टोटल 9 तरह के सॉल्यूशन कौन से होते हैं जरा हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए 9 तरह के सॉल्यूशन, नोट्स मेरे साथ साथ बनाते जाइएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहां क्या कर रहे हैं, यहां पर हम लोग चेक करेंगे सॉल्यूट, कि हमारा सॉल्यूट का फेज क्या है। एक टेबल हम लोग सॉल्यूट के फेज की बनाते हैं। यहां पर हम लोग किसके फेज को चेक करेंगे, सॉल्वेंट के फेज को चेक करेंगे, ठीक है। यहां पर आ गया सॉल्यूट, यहां पर आ गया सॉल्वेंट, यहां पर हमारा सॉल्यूशन, उसके फेज को चेक करेंगे। और फिर मैं आपको साथ साथ एग्जांपल भी दूंगा कि एक्चुअल में उसके एग्जांपल क्या है। ये सिंपल सी टेबल है, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। तो बड़े ध्यान से उसको देखिए। देखिए सबसे पहले लेट अस सपोज हमारा जो सॉल्यूट है, मान लेते हैं कि हमारा सॉल्यूट सॉलिड है, मान लेते हैं, ठीक है, और हमारा जो सॉल्वेंट है वो भी सॉलिड है। सॉलिड ही हमने सॉल्यूट ले लिया, सॉलिड ही हमने सॉल्वेंट ले लिया, ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन होगा वो भी कैसा होगा, सॉलिड, ठीक है। सो फाइनली एक्चुअल में सॉल्यूशन हमेशा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। जो सॉल्वेंट की फेज होगी सॉल्यूशन की फेज वही होगी। एग्जांपल कौन से दोगे, जैसे कि ब्रास, कॉपर और जिंक को आप मिक्स कर दीजिए तो हमें ब्रास मिलता है। सो फाइनली उसकी फेज कैसी होती है, सॉलिड होती है। एग्जांपल भी आपको पता होना चाहिए। सपोज सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हम अब क्या करते हैं, सॉल्वेंट को वहीं रखते हैं और यहां पर सॉल्यूट को बदलते रहते हैं। बताइए सेकंड फेज क्या हो सकती है सॉल्यूट की, लिक्विड, ठीक है। सपोज हमारे पास सॉल्यूट इस बार लिक्विड है लेकिन सॉल्वेंट हमारे पास सॉलिड है। सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड, लेकिन सॉल्वेंट कैसा है, सॉलिड। तो अब जरा ध्यान से इसको देखिए, इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो कैसा होगा, वो सॉलिड ही होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अमेलगमेशन, जैसे कि मर्क्यूरी ले लो, कॉपर ले लो, इसका जो अमेलगमेशन तैयार होगा, ठीक है, अमेलगमेशन तैयार होगा वो एक्चुअली कैसा होगा, हमारे लिए सॉलिड ही होता है। लेकिन ध्यान से देखिए, यहां पर जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। हमको सबको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर एक ही मेटल है जो कि कैसी फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में, और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है। ऑब्वियसली इन दोनों का जो अमेलगमेशन होगा वो सॉलिड ही होता है, ठीक है। तो यहां पर जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड ही है अभी भी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल।
थर्ड एग्जांपल, सपोज हमारे पास जो सॉल्यूट है वो गैस है, लेकिन सॉल्वेंट हमारे पास अभी भी सॉलिड है। तो इस केस में मैंने आपसे कहा कि सॉल्यूशन कंप्लीटली सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, तो एक्चुअल में ये भी कैसा होगा, सॉलिड ही होगा। एग्जांपल याद करिए, एड्सॉर्प्शन, हाइड्रोजन जब प्लेटिनम या फिर पैलेडियम पर एड्सॉर्ब होता है तो ये प्राइम एग्जांपल हो गया जहां पर ये जो कॉम्बो बनेगा वो सॉलिड होगा। क्लियर है? तो हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन तो ये हो गए जो कंप्लीटली कैसे हैं, सॉलिड ही है, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा था, सॉलिड। अब चलो आगे चलते हैं, अब अगले तीन लेते हैं। फोर्थ वाला कौन सा, सपोज हमारे पास सॉल्यूट फिर से कैसा है, सॉलिड, लेकिन इस बार जो हमने सॉल्वेंट लिया है वो लिक्विड है। ठीक है, ये सॉलिड है लेकिन ये लिक्विड है। एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, कौन सा वाला, देखिए सॉल्वेंट लिक्विड यानी कि वाटर, सॉल्यूट सॉलिड यानी शुगर। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो भी कैसा होगा, लिक्विड, क्योंकि सॉल्यूशन कंप्लीटली सॉल्वेंट की फेस पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल क्या दोगे, शुगर प्लस वाटर, ये अभी आपने याद किया था। सो शुगर प्लस वाटर इज द प्राइम एग्जांपल फॉर दिस काइंड ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल है। अब देखिए नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर पर चलते हैं। सपोज आपके पास, हमारे पास जो सॉल्यूट है वो लिक्विड है, ठीक है, और सॉल्वेंट है वो भी कैसा है, लिक्विड है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड। कैसा एग्जांपल लोगे इसका, आप इसका एग्जांपल ले सकते हो इथेनॉल, ठीक है, प्लस क्या ले सकते हो, वाटर। इथेनॉल प्लस वाटर दोनों लिक्विड होते हैं और ऑब्वियसली सॉल्यूशन तो लिक्विड होना ही है। इसका सिक्स एग्जांपल लेते हैं, कौन सा, सपोज हमारे पास जो सॉल्यूट है वो गैस है लेकिन हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। अब आप सोचो कि जो आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा, लिक्विड ही होगा, सही है। इसका एग्जांपल क्या दोगे, इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है, आप सब थम्स अप पिए हो, कोका कोला पीते हो, उसमें CO2 गैस होती है, CO2 प्लस वाटर, ये देखिए CO2 उसके अंदर सॉल्यूट होती है, वाटर उसके अंदर सॉल्वेंट होता है, ऑब्वियसली आपको लिक्विड ही मिलेगा। तो हमारे पास तीन फेजेस और आ गई, सबको क्लियर है, ध्यान से इसको नोट डाउन करते रहेगा, एग्जांपल पूछे जाते हैं। सो फाइनली नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं सेवेंथ एग्जांपल पर, ठीक है। सेवेंथ एग्जांपल पे फिर से हम लोग सॉल्यूट लेते हैं, सॉलिड, सपोज कि हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट है लेकिन इस बार सॉल्वेंट है वो हमारा गैस है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास ये तो सॉलिड है लेकिन ये गैस है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन कैसा होगा, गैस। आप सब ने घर पे कपूर जलाया होगा तो उसका प्राइम एग्जांपल है, जिसको कैम्फर भी कहते हैं। सो फाइनली कैम्फर प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में कैम्फर जलता है, तो कैम्फर प्लस नाइट्रोजन के जो कॉम्बो है उसको हम लोग इस एग्जांपल में ले सकते हैं। कैम्फर सॉलिड होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, फाइनली जब आप कपूर को जलाते हो तो वो कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैस ही कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8 लेते हैं। सपोज हमारे पास ये लिक्विड है और ये हमारे पास गैस है, तो फाइनली क्या बनने वाला है, गैस। लिक्विड और गैस से गैस ही बनेगा, जैसे कि ह्यूमिडिटी, आपके आसपास जो ह्यूमिडिटी है वो इसका एग्जांपल है। ह्यूमिडिटी कैसी होती है, गैसियस, लेकिन वो कैसी होती है, यानी कि उसमें थोड़ा सा आपको दिखता है ना कि लिक्विड लिक्विड जैसा है, तो वो एग्जांपल इसमें आप ले सकते हो। लास्ट नाइन्थ जो सॉल्यूशन टाइप बनेगा, जिसके अंदर ये गैस होगा, ये भी गैस होगा, और फाइनली आपका जो सॉल्यूशन है वो तो गैस होना ही है, तो ऐसा एग्जांपल कौन सा है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, व्हाटएवर, ये जो मिक्सचर है आपके सामने एयर का, वो एग्जांपल ले सकते हो, गैस, गैस का मिक्सचर आपको गैस देगा। तो ये नौ तरह के हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो मैं साइड में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हमारा जो टॉपिक है बड़े ध्यान से समझिएगा, हमको ये सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं, हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमको स्पेशली क्या देखना होता है, गैस एक्चुअल में हमको देखना होता है। देखिए गैस की सॉल्युबिलिटी एक तो लिक्विड में, ये चेक करनी है सबसे पहले, तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में हमें एक तो ये पढ़ना होता है, ठीक है, या लिक्विड की, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, ये चेक करना होता है। देखिए एक्चुअल में सारे चैप्टर में आपको सिर्फ ये दो तरह के, स्पेशली ये दो तरह के आपको सॉल्यूशन पढ़ने हैं, कौन से, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड, ज्यादातर एग्जांपल यही है, बाकी को हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये आपकी सिर्फ जानकारी के लिए, तो फटाफट से लिख लीजिए। और हम ज्यादातर काम किस पे करेंगे, एक फोर्थ नंबर सॉल्यूशन पे और सिक्स्थ नंबर सॉल्यूशन पे, और एक्चुअल में हमें स्टार्ट भी यहीं से करना है, गैस की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है लिक्विड में कैसी होती है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सो फटाफट से इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए गाइस अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। लास्ट टॉपिक में मैंने आपसे कहा था कि नौ तरह के सॉल्यूशन होते हैं, लेकिन हमें नौ तरह के नहीं पढ़ने। इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम फोकस किया हुआ है दो ही तरह के सॉल्यूशन पर, पहला कौन सा, गैस जो कि लिक्विड में घुला हो,
दूसरा सॉलिड जो कि लिक्विड में घुला हो, ज्यादातर आपको इसी के ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे, टॉपिक भी यही है। सो हम लोग सबसे पहले किसकी चेक कर रहे हैं, गैस जो कि लिक्विड में घुला हो। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि अगर आप चाहते हो कि कोई गैस लिक्विड में घुल जाए तो कौन कौन से फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करेंगे। इमेजिन करो ऐसा सॉल्यूशन कभी आपने देखा है, देखा है, इवन पिया है, आप थम्स अप पीते हो, उसके अंदर क्या होता है, CO2 और नीचे पानी ही तो होता है, पानी जैसा कुछ एक सॉल्यूशन होता है। सो फाइनली आप चाहते हो कि लिक्विड में वो CO2 घुल जाए, और एक्चुअल में जब आप कैप खोलते हो तो आपने देखा होगा वो सारी गैस बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर पर उस गैस को घोला जाता है। सो ध्यान से इसको चेक करो, हम चाहते क्या है जरा चेक करो। सो एक कंटेनर है जिसमें ये लिक्विड है, नाउ लुक एट इट, ये लिक्विड हो गया, ठीक है, और इसमें आप चाहते हो कि जो गैस है वो घुल जाए, तो आप कैसे घोलोगे जरा चेक करो। अगर आप चाहते हो कि ये गैस घुल जाए तो आप ऊपर से प्रेशर लगाओगे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतनी ज्यादा घुलने लगेगी, यही तो करते हो, खुद से दिमाग लगाओ। तो हम लोग यहां पर चेक करने वाले हैं, टॉपिक का नाम लगाओ, दी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी लिखते जाइए मेरे साथ साथ, दी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज सॉल्यूट, लिखते जाइए, इन लिक्विड सॉल्वेंट। हमको फैक्टर चेक करने हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि गैसेस सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में यू नो डिसॉल्व करने में अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर पर चलते हैं, इमेजिन करना, सबसे पहला फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है, बड़े ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नेचर ऑफ गैस देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर गैस आपकी पोलर है, पोलर गैस, ठीक है, सो वो आसानी से किस में घुल जाएगी, पोलर सॉल्वेंट में घुल जाएगी, पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाएगी। एग्जाम्पल देता हूं, देखो सेम सेम चीज में घुलता है, काफी बार हम लोग देख चुके हैं, नॉन पोलर वाली गैस जो है पोलर सॉल्वेंट में आसानी से नहीं घुलती। एग्जाम्पल देता हूं, जरा चेक करो, सपोज आपने HCl गैस ली, देखिए आपको मैं बता देता हूं, HCl गैस एक पोलर गैस होती है, कैसे, अब पोलर गैस का मतलब क्या होता है, देखिए HCl है जिसमें हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव, तो ये एक पोलर गैस होती है, ठीक है। फाइनली ये पोलर सॉल्वेंट में घुल जाती है, पोलर सॉल्वेंट कौन सा, पानी, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, हम लोगों को पता है कि इस पे पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे साइन होता है और इन पे पार्शियल पॉजिटिव साइन होता है। अब ये आपस में क्यों घुल जाते हैं, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में, दिखाई दे रहा है, तो आसानी से इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक घुल जाते हैं, ये रीजन होता है। तो पोलर पोलर में आसानी से घुलता है, लेकिन नॉन पोलर गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, इन पे कोई पोल्स नहीं होते, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये आसानी से सॉल्युबल नहीं है पोलर के अंदर, पानी में घुलती नहीं है ऑक्सीजन, पानी में ऑक्सीजन की बहुत कमी है, समझ पा रहे हैं, नाइट्रोजन भी नहीं घुलती है, हाइड्रोजन भी नहीं घुलती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गैस के नेचर पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, सॉल्युबिलिटी इनफैक्ट डिपेंड करती है। नेचुरली देखिएगा सी के अंदर सिर्फ उतनी ऑक्सीजन होती है जितने की यू नो जितने की उसके अंदर जो जो भी स्पीसीज रह रही हैं उनके लिए सफिशिएंट, ठीक है, सो वो भी कमी है एक्चुअल में, सो वहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है, ज्यादा नहीं है ऑक्सीजन, इतनी ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही है, तो ये इतनी ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती है, लेकिन पोलर जो गैसेज होती है वो आसानी से घुल जाती है। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया, सेकंड फैक्टर की तरफ चलते हैं, नाउ द सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर, नाउ लुक एट इट, टेम्परेचर की बात करते हैं। सो टेम्परेचर, टेम्परेचर को लिखा मैंने यहां पर, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करेगा, खुद से दिमाग लगाओ, आप खुद ही सोचो कि आप चाहते हो कि ये गैस इसके अंदर घुल जाए, ऊपर से आपने एक स्टोव लगा दिया या फिर यहाँ बर्नर लगा दिया और उसे हीट करे जा रहे हो, तो आपको लगता है, खुद से सेंस लगाओ कि क्या लगता है कि गैस घुल जाएगी, आपने क्या किया, टेम्परेचर दिया तो गैस में काइनेटिक एनर्जी रेंडमनेस और बढ़ गई, तो दूर भागेगी, लिक्विड में घुलेगी कहां से। तो बातों को समझें आप जो मैं बोल रहा हूं कि एक्चुअल में टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, गैस घुलेगी नहीं आसानी से। सो फाइनली यहां क्या मतलब निकलता है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस घटेगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ये घटेगी, डिक्रीज होती है। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हो कि एक लिक्विड और एक गैस आपस में घुल के एक सॉल्यूशन बनाए, तो ऐसा जो सॉल्यूशन है, ऐसा जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, ये एनर्जी को बाहर फेंकेगा, इस केस में एनर्जी बाहर निकलेगी, आप खुद ही सोचो, आप गैस को कंडेंस करने की कोशिश कर रहे हो, इस केस में एनर्जी बाहर निकालेगा ना गैस, अपनी एनर्जी बाहर निकालेगा तभी तो लिक्विड फॉर्म में जाएगा,
तो आप खुद ही सोचो, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो इस केस में ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है डेल्टा एच का वैल्यू कितना हुआ, यानी कि चेंज इन एंथैल्पी होता है यहां पर नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ये खुद क्या कर रहा है, एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। अब आप खुद ही सोचो, जब ये खुद एनर्जी एज अ प्रोडक्ट है, ऊपर से आप एनर्जी इसको दे रहे हो, तो ये कहां जाएगी रिएक्शन, रिवर्स? क्या ये घुल पाएगा? नहीं, सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा, तुरंत गैस और लिक्विड अलग हो जाएंगे, जो रहा कहा सॉल्यूशन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। अच्छा, एक और चीज बताता हूं, थर्मोडायनेमिकली देखें तो डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है ना, व्हाट अबाउट डेल्टा एस? ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें आप गैस को लिक्विड के अंदर घोल रहे हो, उस प्रोसेस में डेल्टा एस का वैल्यू कितना है? इस प्रोसेस में डेल्टा एस का वैल्यू भी नेगेटिव है। बहुत बच्चों को नहीं पता कि एंट्रोपी क्या होता है, तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब बताता हूं। एंट्रोपी का मतलब होता है फ्रीडम, रेंडमनेस। अब आप खुद सोचो, गैस ने अपना रेंडमनेस खो दिया, फ्रीडम खो दी, तभी तो वो जाएगी लिक्विड में घुलने के लिए। गैस आजाद है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन जैसे ही आप उसको प्रेशराइज कर रहे हो वो घुल रही है, इसका मतलब वो अपनी फ्रीडम को खो रही है। अगर उसने अपनी फ्रीडम खो दी, अपनी रैंडमनेस खो दी, तो ये प्रोसेस मतलब घुल गई तो खो दी, और अगर उसने फ्रीडम खो दी तो इसका मतलब डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ नहीं। डेल्टा एस का मतलब होता है फ्रीडम, रैंडमनेस। अब आप चेक करो, कोई भी प्रोसेस में अगर रैंडमनेस घट रही है, जैसे कि बारिश होना रैंडमनेस को घटाता है। बादल तो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन बादल में से जो पानी था, वो पानी भी कहीं भी जा सकता था, वो पानी तो अब नीचे आ गया, तो बारिश कैसी है उसमें डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो बस इतना ही चेक करना होता है, प्रोसेस देखो आप कैसा है। तो यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू भी नेगेटिव है, डेल्टा एस का वैल्यू भी नेगेटिव है। अब आप खुद सोचो, हमने ये भी पढ़ा है किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक के अंदर, दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये इक्वेशन पढ़े हो तुम लोग सब, ठीक है, और ये बहुत फेमस इक्वेशन है, इसमें मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर सीन क्या है, डेल्टा एच भी हमारे पास नेगेटिव है, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप अगर चाहते हो, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि गैस लिक्विड में घुल जाए, तो इसका मतलब आप चाहते हो ना कि ये प्रोसेस कैसा हो, स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए थर्मोडायनेमिक में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। बहुत बच्चे यहां अपना ध्यान हटा चुके होंगे वीडियो के अंदर, जो कि गलत बात है। आप जब कोई चीज जानते नहीं है तो ज्यादा फोकस करिए और ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। यहां पर आप चाहते हो कि गैस घुल जाए लिक्विड के अंदर, और अगर आप चाहते हो कि गैस लिक्विड में घुल जाए, तो इसका मतलब यह है कि आप चाहते हो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो, अपने आप हो जाए, करवाना चाह रहे तो हो जाए, उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो कि जब ये भी नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव है, जबकि ये हमारा पॉजिटिव निकल के आ रहा है, क्योंकि डेल्टा एस का वैल्यू नेगेटिव है, समझे? तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टी डेल्टा एस। अब आप जरा ये बताओ कि आपके पास इक्वेशन बन रही है ये इस प्रोसेस के लिए, अब आप खुद से सोचना ईमानदारी से, ये वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, कौन सी वैल्यू है, डेल्टा एच की वैल्यू है। अब आप खुद से सोचो कि अगर आप चाहते हो कि गैस घुल जाए, उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, तो आप बताओ कि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव कैसे होगा? वो तभी होगा जब टेम्परेचर क्या रखो आप, लो। बात समझ पा रहे हो? टेम्परेचर लो रखोगे, अगर आपने टेम्परेचर हाई कर दिया तो पॉजिटिव वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी, नेगेटिव वाली घटती जाएगी, आफ्टर ऑल ये आंसर पॉजिटिव आने लगेगा, जबकि हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव। फोकस करो मैथमेटिकली क्या लिखा हुआ है। सो फाइनली इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर इस केस में कैसा होना चाहिए, लो। अगर आपने टेम्परेचर कम रखा तो फाइनली गैस घुलने लगेगा, जितना कम रखोगे उतना आसानी से घुलेगा। क्लियर है सब लोगों को? तो ये हमारा सेकेंड फैक्टर हुआ, सबको समझ में आ गया। नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड फैक्टर, एंड दैट इज प्रेशर। जो थर्ड फैक्टर है हमारा वो कौन सा है, प्रेशर। अब आप खुद से सोचिए, प्रेशर तो बहुत ही आसान है, आपको खुद को सबको पता है कि जितना प्रेशर अप्लाई करोगे सॉल्युबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, तो यहां पर ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बड़ी कॉमन सी चीज है यार, इसमें तो क्या बताना है, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ने लगेगी, गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी जितना प्रेशर ज्यादा होगा। बस इसी चीज पे किसने काम किया, हेनरी ने। अब हेनरी क्या कहता है उसको समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो यहां पर तीन फैक्टर हैं, नेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर बहुत सिंपल है, प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब खास बात, अब हेनरी ने क्या किया, हेनरी ने इसके लिए अपना एक लो दिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। बड़े ध्यान से देखिए वो क्या कहता है, मैं ऊपर लिख देता हूं, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं आपको बताता हूं कि हेनरी ने क्या किया। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, सो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए,
सो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि गैस जब लिक्विड में आप घोलना चाहते हो तो कौन कौन से फैक्टर उसे इफेक्ट करते हैं। पहला कौन सा? नेचर ऑफ गैस, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर। हमने ये देखा कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ये हमने लिख दिया, बस यहीं से हेनरी लॉ डिफाइन होता है। अब यहां पर हेनरी लॉ देखें क्या कहता है। हेनरी लॉ क्या है जरा ध्यान से उसको समझें। अब लिखिए हेनरी लॉ। हेनरी लॉ ये कहता है, जैसे ऊपर लिखा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। अब जरा ध्यान से उसको समझें, बहुत सारे लोगों को हेनरी का जो लॉ है वो समझ में नहीं आता। मैं आपको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? यहां पर हमें कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेनी पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी का मतलब सोल्यूट कितना सोल्यूबल हुआ है सोल्यूशन के अंदर, यही पूछा है ना। तो हमारे पास तो बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। कौन कौन सी? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। उसने क्या किया, यहां पर सबसे आसान टर्म ली, मोल फ्रैक्शन। यहां पर एक रेशो होता है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? यहां पर मोल फ्रैक्शन गैस का निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? मोल्स ऑफ गैस डिवाइड बाय टोटल मोल्स, सिंपल है। और दूसरी खास बात यह कि जो मोल फ्रैक्शन होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी होती है। तो उन दोनों खासियत की वजह से सॉल्युबिलिटी में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेना था वो उसने क्या लिया होगा, वो उसने लिया होगा मोल फ्रैक्शन, ये वजह होगी। तो यहां पर उसने क्या कहा, दैट द पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, सही है। अब फाइनली पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, इसको डिफाइन करूंगा तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। हमको पता है मैथमेटिकली जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहां पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो अब क्या करोगे, उसने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इक्वल का साइन लगाया और यहां पर एक कांस्टेंट दे दिया। और यहां पर कांस्टेंट क्या लिखा, के एच इंटू क्या लिखा, एक्स। एक्चुअली इसी इक्वेशन को हेनरी इक्वेशन भी कहते हैं और ये हेनरी लॉ हो गया। अब यहां पर इसको डिफाइन करने के बाद मैं बताऊंगा यहां पर पी, के एच और एक्स का मतलब क्या है। के एच का मतलब तो निकलता है हमारा कौन सा, हेनरी कांस्टेंट। इसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट भी कहते हैं, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब बड़े ध्यान से हेनरी लॉ को लिखिए तब आपको समझ में आया। हालांकि तो बहुत आसान लग रहा है, दिस इज पार्शियल प्रेशर, दिस इज हेनरी कांस्टेंट, दिस इज मोल फ्रैक्शन। अब इसका सेंस क्या है, डेफिनेशन लिखिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो लिखिए डेफिनेशन ऑफ हेनरी लॉ। द डेफिनेशन ऑफ हेनरी लॉ इज, लिखो द पार्शियल प्रेशर, ध्यान से लिखिएगा, द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस ऑन लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन present in लिक्विड सॉल्वेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिक्विड सॉल्वेंट। अब समझिए इसका मतलब, ये कहता है कि यहां पर ये गैस कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है वो डिपेंड करेगा कि एक्चुअल में गैस के कितने मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट हैं, किस में, इस लिक्विड में। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। तब अगर आप ये डेफिनेशन को समझ पाए हैं तो ये फॉर्मूले को समझ जाएंगे। यहां पर P का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, वो डिपेंड करेगा कि लिक्विड में गैस के मोल फ्रैक्शन कितने हैं। तो मतलब क्या निकला यहां पर, X का मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बोल देता हूं, डेफिनेशन को पढ़ लो, ये डेफिनेशन बहुत बार सीधे पूछी जाती है कि यहां पर जो गैस पार्शियल प्रेशर अप्लाई कर रही है वो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कितनी गैस प्रेजेंट है इस लिक्विड के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो। यहां पर आपका हेनरी लॉ ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब दो चीजें बची हैं, उसको भी मैं करवा ही देता हूं, जरा ध्यान से उसको देखिए। अब हमें पता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर को अगर मैं मान लो कि कांस्टेंट रख देता हूं, अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी। हम अभी पढ़ के आए हैं कि सॉल्युबिलिटी घटने लगती है गैस की, हमको ये पता है। अच्छा, अगर मैं प्रेशर यहां पर कांस्टेंट रखते हुए केएच और एक्स में रिलेशन ढूंढूं तो क्या निकलेगा। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो उस केस में हमको यहां पर कांस्टेंट रखो, कांस्टेंट रखोगे तो क्या निकलता है, दैट एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केएच। हुआ कि नहीं हुआ, देखो इसको कांस्टेंट रखो तो KH into X constant हुआ। इसका मतलब X is inversely proportional to KH। इसका मतलब क्या, जरा चेक करो, अगर आपने KH की वैल्यू बढ़ा दी तो यहां पर X की वैल्यू यानी कि सॉल्युबिलिटी, X का मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी, उसी के लिए तो तुमने X लिखा था। तो यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटने लगेगी।
ये तो मतलब निकला सोल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगी। अब जरा सोचो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो सोल्युबिलिटी घट रही है, केएच बढ़ा रहे हो सोल्युबिलिटी घट रही है, ये मतलब निकला। तो इसका मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच, हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये निकला कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो केएच की वैल्यू किसी भी गैस के लिए बढ़ेगी, चेंज हो जाएगी, और ये होता भी है। अब अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओ, सेम गैस के लिए अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो केएच की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और चेंज हो जाती है, ये खास बात है। उसमें एक टेबल दे रखी है, ऑक्सीजन के लिए चेक करना, आप नाइट्रोजन के लिए भी चेक कर सकते हो, गैसेज अलग अलग दे रखी हैं, उसमें टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाओगे केएच की वैल्यू सेम गैस के लिए चेंज हो जाती है। ये चीज आप एनसीईआरटी में नोट डाउन कर सकते हो, और ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि केएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर आपने केएच की वैल्यू बढ़ाई तो टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ेगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप खुद सोचिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है। अगर आप मैथमेटिक्स की हो तो आप जानते होंगे, ये शायद 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा दिया जाता है, आप इसको y=mx से रिलेट कर सकते हो, हाँ या ना? ये एक ऐसी लाइन का इक्वेशन है जो कि कहां से जाती होगी, ओरिजिन से। इसको किससे कंपैरिजन कर सकते हो, y=mx से। y क्या है, p, x क्या है, x, x मतलब x एक्सिस पर क्या लिखोगे, मोल फ्रैक्शन, y एक्सिस पर क्या लिखोगे, प्रेशर। और ये लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से, जिसका स्लोप क्या होगा, m की वैल्यू कितनी है, kh, तो इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। सो फाइनली इसका ग्राफ भी मैं यही बना देता हूं। देखो y एक्सिस पे लिखूंगा पार्शियल प्रेशर, x एक्सिस पे लिखूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड लिक्विड, और ये लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, होगी कि नहीं होगी, और जिसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप बनेगा kh। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है, दिस इज हेनरी लॉ ग्राफ, ये हेनरी लॉ का ग्राफ है। और फाइनली यहां पे हेनरी लॉ खत्म हो गया, इसके बाद हमें रोल्ट लॉ करना है। सो चलिए गाइस, आज हम करने वाले हैं, टॉपिक का नाम लिखिए वेपर प्रेशर। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। सो लिखिए वेपर प्रेशर, इस चीज को समझेंगे। नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर, लिखिए ये किसके लिए होता है वेपर प्रेशर, जरा चेक कीजिए। ये ऐसे सब्सटेंस के लिए हम बात कर रहे हैं जो कि वोलेटाइल होता है नेचर में, समझिए। जैसे कि आपने कभी कभार पेट्रोल या डीजल आपके गाड़ी में खत्म हो गया होगा, तो आप बोतल लेके पेट्रोल भरवाए होगे या डीजल भरवाए होगे। पेट्रोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वोलेटाइल होता है नेचर में, तो वो क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, आपको पता है, उसकी वेपर भी बन जाती है, सब जानते हैं। सो हम ऐसे सब्सटेंसेस की बात करेंगे, वेपर प्रेशर का मतलब जो कि वेपर, ऐसा लिक्विड जो कि वेपर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो, बात समझ रहे हो, जो कि वोलेटाइल हो, उन सब्सटेंस की अब हम बात करने वाले हैं। नाउ व्हाट इज वेपर प्रेशर, दैट इज द पार्शियल प्रेशर, लिखिए द पार्शियल प्रेशर exerted by any vapor or gas, ठीक है, on the surface of any liquid or solution. which is volatile in nature. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से इसको देखिएगा। वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, ऐसे हमने लिक्विड लिया या सॉल्यूशन लिया है जो कि कैसा नेचर का है, वोलेटाइल, तो उसमें जो वेपर बनेगी वो जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है लिक्विड के सरफेस पर, उसी को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। लिख लीजिए साथ में, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये भी एड ऑन कर लीजिए, आपको काम देगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को चेक करते हैं। सबको समझ में आ गया, सो दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, वीपी लिख देता हूं सीधे, ठीक है। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर देखिए, नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, ठीक है, लिखिए टेम्परेचर। पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर टी। अब आप खुद सोचिए, जरा ध्यान से इसको देखिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूं जिससे आप क्लैरिटी होगी। एक कंटेनर ले लिया, उसमें एक ऐसा सब्सटेंस भरा हुआ है बेसिकली जो कि वोलेटाइल नेचर का है, ठीक है। अब होगा कुछ यूं, ये उसका सरफेस हो गया उस लिक्विड का। अब अगर ये बंद है तो यहां से, क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का है, तो उसके कुछ क्या होगा, वेपर्स यहां पर गैसेस फॉर्म में उसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे या वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे।
अब ये वेपर जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है इसके सरफेस पर, उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्लियर है? ये तो हमने ऊपर लिख दिया, वो भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, वो हमने ऊपर लिखा हुआ है। अब जरा सोचिए कि टेम्परेचर वेपर के प्रेशर को कैसे कैसे इफेक्ट करेगा। अगर आपने यहां पर कुछ बर्नर लगा के हीट करना शुरू कर दिया, सोचो अगर आपने यहां पर हीट करना शुरू कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और ये भी किस में चले जाएंगे, गैसेस फॉर्म में चले जाएंगे। और जितने ज्यादा यहां पर गैस मौजूद होगी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो फाइनली यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने से, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, ठीक है, द वेपर प्रेशर ऑन लिक्विड सरफेस इंक्रीजेस, सिंपल सी बात है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑन दिस लिक्विड सरफेस इज इंक्रीजेस। किस वजह से? क्योंकि जैसे ही आप इनको क्या करोगे, बेसिकली हीट अप करोगे, तो ना सिर्फ इन मॉलिक्यूल्स को, इन मॉलिक्यूल्स को भी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, रैंडम मोशन बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, सो फाइनली फर्स्ट जो आपके पास फैक्टर अफेक्टिंग हो गया वो है टेम्परेचर। सेकंड पर चलते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, दैट इज नेचर ऑफ लिक्विड। सेकंड क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। अब ये भी कैसा फैक्टर हुआ, देखिए वो लिक्विड के नेचर पे भी डिपेंड करता है। देखिए लिक्विड, आप मान लीजिए कि लिक्विड ऐसा हमारे पास जिसमें इंटरमोलिक्यूलर, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। कैसा है? वीक है, तो उसमें वेपर प्रेशर हाई होगा। खुद ही सोचिए भाई, एक मॉलिक्यूल हमारे पास, एक लिक्विड है, जरा सोचिए, हमारे पास सपोज कि दो लिक्विड ले लिया हमने, तो यहां पर क्या किया, एक लिक्विड ऐसा है कि उसके अंदर है ना, यहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन एक लिक्विड ऐसा है जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, तो वो थोड़ा दूर होंगे। अब यहां पर जरा गौर से चेक करो, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है, तो थोड़ी सी हीट देने पर ही ये वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा नहीं है। तो मतलब क्या निकलता है, ऐसे हमारे पास लिक्विड्स जिनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं उनमें वेपर प्रेशर हाई होती है। जैसे कि आप कंपैरिजन कर सकते हो, ईथर का, डाई इथाइल ईथर ले लो और साथ में क्या ले लो, इथेनॉल ले लो, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है, डाई इथाइल ईथर या डाई मिथाइल ईथर ले लो आप, या फिर इथेनॉल ले लो। जैसे कि यहाँ चेक करो CH3OCH3, इसको क्या बोलते हैं, ईथर, और ये C2H5OH। अब आप खुद से सोचिए, हमको सबको पता है कि CH3OCH3 ईथर के दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक, ठीक है, जबकि इथेनॉल में क्या होता है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है दो मॉलिक्यूल के बीच में, तो यहां पर जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग होता है। क्यों होता है स्ट्रांग? इसलिए होता है क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर दो मॉलिक्यूल्स, इथेनॉल के केस में दो मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है, जबकि ईथर के केस में नहीं है। तो यहां पर इसको जैसे ही आप थोड़ी सी हीट दोगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, बेसिकली गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इसका मतलब ये है, फाइनली जहां इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं वहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे कि एग्जांपल ईथर और इथेनॉल का ले सकते हो, डाई मिथाइल ईथर जो नीचे लिखा है और ये इथेनॉल, इन दोनों का कंपैरिजन कर लीजिए। यहां पर आपको किसका वेपर प्रेशर ज्यादा दिखेगा, ईथर का, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। चलिए ये हमारा सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग हो गया। नाउ विल टॉक अबाउट थर्ड वन इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, अब इसको समझना भी आसान है, जरा ध्यान से इसको देखिए। बॉइलिंग पॉइंट कैसे फैक्टर हो गया, देखिए ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मैं यहां लिख देता हूं, द लिक्विड विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, और लेसर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है बेसिकली वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। द लिक्विड्स विच हैव लेसर बॉइलिंग पॉइंट हैव हायर वेपर प्रेशर। खुद ही सोचिए कि एक लिक्विड ऐसा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, तो कम टेम्परेचर पे ही बॉइल हो जाता है। अगर कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाता है तो वो क्या करेगा, यहां से थोड़ी सी हीट दोगे तो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। सो यहां पर थर्ड पॉइंट क्या बना, द लिक्विड्स विच हैव लेस बॉइलिंग पॉइंट हैव हायर वेपर प्रेशर। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली ये हुआ थर्ड। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ फैक्टर अफेक्टिंग पर। ठीक है, फोर्थ क्या है, दैट इज प्योरिटी ऑफ लिक्विड। बड़े ध्यान से देखिएगा, प्योरिटी ऑफ लिक्विड। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब एक पॉइंट मेरे साथ साथ लिख लीजिए, यहां पर मैं लिखवा देता हूं, लिखिए द प्योर लिक्विड हैज ऑलवेज, ध्यान से लिखते जाएगा मेरे साथ, ऑलवेज हायर
वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन, एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। देखिए, अगर कोई आपने यहां पर लिक्विड लिया और वो प्योर फॉर्म में है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, जब आपको आप उसको किसी के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बनाते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। अब ये कैसे हुआ, देखिए, जब वो प्योर स्टेट में था, कोई भी वॉलेटाइल्स आपके पास लिक्विड प्योर स्टेट में था, तो पूरे सरफेस पर सिर्फ उसी के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, पूरे सरफेस पर सिर्फ उसी के मॉलिक्यूल थे, तो वो आसानी से क्या हो सकते थे, थोड़ा सा हीट लेने पर ये सारे के सारे क्या हो सकते थे, बेसिकली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते थे। ये तो हो गया प्योर, लेकिन अगर आपने कुछ ऐड कर दिया इसमें और इसका सॉल्यूशन बना दिया, तो सरफेस पे जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल तो घट गए। अब जरा समझें, अगर मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिया तो अब सरफेस पर इसके मॉलिक्यूल सिर्फ यहां यहां प्रेजेंट है सपोज, क्यों, क्योंकि जिसके साथ आपने सॉल्यूशन बनाया वो भी तो प्रेजेंट होगा, समझ पा रहे हैं, वो भी तो प्रेजेंट होगा। तो देखिए, यहां पर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूं, सपोज ऐसे, देखिए जरा ध्यान से। अब ये तो है आपका कौन सा, ये प्योर वाला जो आपने ये वाला लिया था, ये वाला लिक्विड ए मान लेते हैं, तो ये ए हो गया और आपने इसको बी के साथ मिक्स कर दिया है, तो ये बी के मॉलिक्यूल्स हो गए जो कि सरफेस पर जगह लेंगे और ये ए के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब खास बात देखो, ए के मॉलिक्यूल जो है सरफेस पर कम हो गए, अगर मॉलिक्यूल ही कम हो गए तो वेपर प्रेशर तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्योर फॉर्म में अगर कोई लिक्विड होता है तो उसका हमेशा जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। सो चलिए गाइस आगे चलते हैं। अभी तक हमने ये देख लिया कि वेपर प्रेशर कहते किसको हैं और फाइनली कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। हम लोग याद रखिएगा यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, वोलेटाइल सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जो कि खुद लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, और क्योंकि वो वोलेटाइल है तो वहां पर वेपर भी होती है, यानी कि गैसेस फॉर्म भी प्रेजेंट है। तो यहां पर सारा खेल किसका है, वोलेटाइल सब्सटेंसेस का है, ठीक है। और इसी के ऊपर किसने स्टडी की थी, वोलेटाइल सब्सटेंसेस का है और इसी के ऊपर स्टडी की थी किसने, रोल्ट ने। बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है कि रोल्ट लो और हेनरी लो में फर्क क्या है, एक्चुअल में वो दोनों की स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फर्क ये है कि हेनरी ने जो लॉ दिया था क्या था, दैट इज पी इज इक्वल्स टू के एच इन टू एक्स, यानी कि पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट ऑफ दैट गैस इन लिक्विड। ये किसके लिए था, यहां पर एक गैस अलग था और लिक्विड अलग था और उस गैस को आप मिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, ये तो था हमारा हेनरी लो, इस चीज को समझें, ठीक है, ये हमारा कौन सा लो था, हेनरी लो। लेकिन यही सेम स्टेटमेंट रोल्ट भी कहता है, लेकिन किसके लिए कहता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ही फर्क है कि रोल्ट ये सारी चीजें वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए कहता है। सबको समझ में आ गया, तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। सबसे पहले तो रोल्ट लो था क्या, जनरल वे में रोल्ट लो था क्या, जरा उसको चेक करें, ये क्या लिखता है, लिखो फॉर एनी वोलेटाइल सब्सटेंस द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, ठीक है, और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड और सॉल्यूशन। देखिए, स्टेटमेंट सारे सिमिलर है, सिर्फ एक ही चीज का फर्क है कि यहां पर जो भी स्टडी की गई वो वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए थी। ये जनरलाइज स्टेटमेंट है रोल्ट की, वो ये कहते हैं कि किसी भी वोलेटाइल सब्सटेंस में जो वेपर प्रेशर बना रही है उसमें जो प्रेशर बन रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो वेपर है उसके मोल फ्रैक्शन के जो कि लिक्विड में प्रेजेंट है। यही चीज किसने कही थी, हेनरी ने भी, लेकिन वहां पर सिर्फ अलग से गैस थी और अलग से लिक्विड था, यहां पर वोलेटाइल सब्सटेंस है जिसकी खुद की गैस है और खुद का ही लिक्विड है। ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट है रोल्ट की, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब उसने क्या किया, अपने दो एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग केसेस लेते हैं। उसने सबसे पहला एक केस बनाया, जरा ध्यान से उसको देखिए, इन सब चीजों का इफेक्ट देखना शुरू किया। देखिए, उसने केस वन क्या लिया, उसने केस लिया कि
यहां पर दो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को मिक्स किया उसने, कौन कौन से, यहां पर वोलेटाइली उसने क्या किया, सोल्यूट ले लिया, वोलेटाइली उसने क्या किया, सोल्यूट ले लिया, और वोलेटाइल ही सॉल्वेंट ले लिया, सोल्यूट भी वोलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, अब उससे वो एक सॉल्यूशन बनाना चाहता है। बड़े ध्यान से इसको चेक करिएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था याद करो, जब हमने फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था प्योरिटी ऑफ लिक्विड मायने रखती है, अगर कोई लिक्विड प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। हालांकि यहां पर सॉल्यूशन भी किसका बन रहा है, वोलेटाइली सॉल्यूट है और वोलेटाइली सॉल्वेंट है, उन्हीं का सॉल्यूशन बन रहा है, लेकिन सरफेस पे मॉलिक्यूल तो कम हो जाएंगे ना। जरा ध्यान से इसको समझिए, सपोज कि हमारे पास एक सॉल्यूट है, केस को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये मैं मान लेता हूं ये सॉल्यूट है, ठीक है, और ये सॉल्यूट वोलेटाइल है जिसका नाम रख देते हैं ए, ठीक है। अब यहां पर इस बीकर में सिर्फ और सिर्फ यही सॉल्यूट है जिसके आपको मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में यहां दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ एक वेपर फॉर्म में भी है। देखिए यहां पर ये वेपर फॉर्म यानी गैसेस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, सबको दिख गया। अब ये प्योर है, अब मैं मान लेता हूं कि ये जो यहां पर प्रेशर बना रही है इसकी वेपर, वो है पीए नॉट, मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं कहता हूं प्योर है इस पूरे कंटेनर में सॉल्यूट ए, ये उसकी लिक्विड फॉर्म है, ये उसकी गैस फॉर्म में, और यहां पर जो गैस फॉर्म प्रेशर बना रही है प्योर स्टेट में, उसको बोल देते हैं पीए नॉट, ठीक है, मान लेते हैं। एक हमारे पास एक दूसरा सब्सटेंस और है बी टाइप का, ठीक है, बी टाइप का सब्सटेंस है, अब वो भी उस कंटेनर में प्योरली पड़ा हुआ है, उसके मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में ये रहे, देखिए थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूंगा मैं यहां पर, लिक्विड फॉर्म में उसके मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं बी के, दिखाई दे रहा है, और इसी के गैसेस फॉर्म में भी होंगे क्योंकि ये भी वोलेटाइल है, और खास बात देखो इसके जो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर बन रहा है उसको मान लेते हैं हम लोग पी बी नॉट, मान लेते हैं, जैसे इसका माना पी ए नॉट उसका मान लिया पी बी नॉट। अब इन डायग्राम्स में एक खास बात है, एक तो मॉलिक्यूल्स यहां पर, अगर यहां पर ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो ए टाइप के हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं तो वो बी टाइप के हैं, लेकिन एक खास बात है और आपने गौर किया कि यहां पर मैंने तीन मॉलिक्यूल दिखाए एयर के अंदर और यहां पर मैंने दो ही दिखाए। मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं आपसे कि इसका वेपर प्रेशर कम है एज कंपेयर टू दिस, ये कंडीशन हम लोगों को लेके चलनी है, वैसे आप किसी का भी ले सकते हो। सपोज हमको यहां पर क्या इनिशियली मानना है, दैट द पी बी नॉट इज लेस देन पी ए नॉट, इन कंडीशन पे काम करना है, सबको समझ में आ गया। तो यहां पर रोल्ट ने भी ऐसे किया, यहां पर दो वोलेटाइल सब्सटेंसेस लिए, ये सॉल्यूट है ये सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एज कंपेयर टू सॉल्यूट कम है, ऐसा मान लेते हैं। अब इन दोनों को क्या किया उसने, मिक्स कर दिया। अब आप सोचो कि इसमें उसने क्या किया, ए को भी डाल दिया बी को भी डाल दिया, दोनों वोलेटाइल है, तो डालती क्या होगा, इस सरफेस पर ए के मॉलिक्यूल्स भी होंगे और बी के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब जरा चेक करो, यहां पर तो कंडीशन यही थी कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे और यहां सिर्फ और सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे सरफेस पे, लेकिन अचानक से आपने दोनों को मिक्स किया तो यहां पर ए के मॉलिक्यूल्स भी हैं और बी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, ये ए का ये बी का, आप सरफेस पर किसी एक का मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, दोनों के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। जरा ध्यान से इसको देखो, अब ऐसा सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब जरा गौर से चेक करो, ऐसे सॉल्यूशन में अब क्या होगा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो अब मैं मान लेता हूं कि जो ए है वो प्रेशर बना रहा है पी ए और जो बी है वो प्रेशर बना रहा है पी बी, मान लेते हैं, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो सेम नहीं रहेगा क्योंकि सरफेस पर इनके मॉलिक्यूल घट गए। यहां पर तो सभी ए के थे लेकिन यहां तो नहीं है सभी ए के, यहां तो बी के भी प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका जो पार्शियल प्रेशर है ए का वो घट जाएगा, ठीक है। तो मान लेता हूं कि ऊपर की तरफ ऐसे हैं कुछ, यहां पर ये पड़े हुए हैं इस तरह से, तो ए का पार्शियल प्रेशर पी ए मान लेते हैं और बी का पार्शियल प्रेशर पी भी मान लेते हैं। अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि सॉल्यूशन के अंदर टोटल प्रेशर कितना है तो आप क्या कहोगे, दैट इज पी ए प्लस पी बी, हाँ या ना, सही है, यही तो पार्शियल प्रेशर होगा, दैट इज पी ए प्लस पी बी, इन दोनों के समेशन के इक्वल होगा। अब सवाल ये कि पी ए कितना है, सो पी ए, अब आप सोचिए ये क्या कहता था, ये कहता था कि किसी भी सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, सही है। तो अब जरा ध्यान से देखो, मैं मान लेता हूं कि आपने ऊपर से जो ए डाला है उसके मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, जो आपने बी डाला है उसके मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट कितने लिक्विड फॉर्म में एक्स बी, लिक्विड फॉर्म में एक्स ए और एक्स बी आपने यहां डाल रखा था, तो अब जरा चेक करो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा एक्स ए, यहां पर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, यही तो वो बोल रहा है यहां पर,
कि यहां पर पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स या फिर मोल फ्रैक्शन कितने प्रेजेंट है लिक्विड में। सबको समझ में आ गया? सो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब यहां पर पीबी की बात भी कर लेते हैं, तो पीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्सबी के। ठीक है, बी का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन लिक्विड। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली मैथमेटिक्स में अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हम लोगों को एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। वो कांस्टेंट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? दैट इज पी ए इज इक्वल टू, देखिए प्योर स्टेट वाला इनका पार्शियल प्रेशर को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यू होती है क्योंकि प्योर स्टेट पे था। सो फाइनली पी ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी ए नॉट इन टू एक्स ए। और पीबी की जगह क्या लिखेंगे? पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इन टू क्या लिखेंगे? एक्स बी। ध्यान से इसको देखिएगा और ध्यान से उतार भी लीजिएगा। तो देखिए फाइनली हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर वन, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। क्लियर है? सो फाइनली ये हुआ पी ए विच इज इक्वल टू पी ए नॉट इन टू एक्स ए, दिस इज पी बी विच इज इक्वल टू पी बी नॉट इन टू एक्स बी। अब हम चलते हैं टोटल प्रेशर के अंदर, इन दोनों इक्वेशन को रख देते हैं तो क्या बनेगा जरा चेक करो। ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर मैं रख दूं उठा के उसके अंदर तो क्या बनेगा जरा चेक करो। तो मैं वहीं रख देता हूं। सो फाइनली पीटी, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, सो फाइनली टोटल प्रेशर पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। दोनों की वैल्यू उठा के रखो। सो पीटी किसके इक्वल होगा? पी ए की वैल्यू कितनी है वहां से उठाओ, पी ए नॉट इन टू एक्स ए। पी बी की वैल्यू कितनी है? दैट इज पी बी नॉट इन टू एक्स बी। आया सबको समझ में? सो फाइनली ये बना हमारे पास पीटी का वैल्यू, दैट इज पी ए नॉट इन टू एक्स ए, पी बी नॉट इन टू एक्स बी। सबको समझ में आता है? और हम एक और बात जानते हैं, मोल फ्रैक्शन में क्या खास बात होती है? दैट एक्स ए प्लस एक्स बी सभी के मोल फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है? वन के इक्वल। तो फाइनली यहां पर अगर मैं एक्स बी की वैल्यू उठा के रख दूं तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होती है? वन माइनस एक्स ए। तो अगर मैंने ये वैल्यू उठा के वहां रख दी तो क्या बनेगा जरा चेक करो। सो पी टी इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट और एक्स बी का वैल्यू वन माइनस एक्स ए। देखो रख दी। अब फाइनली आप क्या करो जरा इसको सोल्व कर लो। सो पी टी इज इक्वल टू क्या बनेगा जरा चेक करो। ये देखिए पी बी नॉट इन टू वन, दैट इज पी बी नॉट। ठीक है, प्लस अब जरा चेक करो यहां पर क्या आएगा, पी बी नॉट यहां से किसको मल्टीप्लाई करना है? माइनस एक्स ए से। तो क्या होगा? माइनस एक्स ए इंटू पी बी नॉट। और यहां पर क्या पड़ा हुआ है? पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो मैं यहां पर एक्स ए कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? दैट इज पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। अब चेक करो कि क्या ये टोटल प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से चेक करिएगा। अब सबसे खास बात पर आते हैं, यहां पर मैंने इसको कैसे बनाया फॉर्मूले को। इनिशियली हमने क्या माना था कि पी ए नॉट की वैल्यू पी बी नॉट से बड़ी है। ये देखिए हम कोशिश करेंगे कि यहां पर ये टर्म जो बड़ी है वो आगे आए। ठीक है, यहां पर देखो पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट, ताकि ये कैसा हो? पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने क्या किया, इनको सेट किया हुआ है फॉर्मूलो को इसके रिस्पेक्ट में। तो फाइनल जो प्रेशर बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज पी बी नॉट प्लस एक्स ए पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जब यहां पर आप पी बी नॉट को बड़ा कर दोगे एज कंपेयर टू पी ए नॉट, तो आप यहां पर क्या करिए, एक्स बी की जगह एक्स ए का वैल्यू रख देना। ठीक है, तो एक्स इज टू वन माइनस एक्स बी इसमें रखोगे तो आपके पास फॉर्मूला मिल जाएगा। सो फाइनली ये हमने फॉर्मूला यहां ड्राइव कर लिया कि रोल्ड के जो फर्स्ट केस था जिसके अंदर वोलेटाइल ही सोल्यूट है हमारे पास और वोलेटाइल ही सॉल्वेंट है, उस केस में टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है, यहां नीचे लिखा है। हम इसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसमें और भी चीजें बाकी हैं। अभी हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है और उसके बाद रोल्ड का सेकेंड केस भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो चलिए गाइस, फर्स्ट जो केस था जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलेटाइल थे। उस केस में जो आपका टोटल प्रेशर था वो किसके इक्वल था? दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मतलब सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर और सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के इक्वल था। और फाइनली हमने ये भी देख लिया था कि पी ए का वैल्यू क्या निकल के आ रहा था, दैट इज पी ए नॉट एक्स ए, एंड पी बी का वैल्यू क्या निकल के आ रहा था, पी बी का वैल्यू निकल के आ रहा था, दैट इज पी बी नॉट एक्स बी। ये सबने कल देख लिया था। और फाइनली जब मैंने दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी तो उस केस में मैंने क्या किया था, एक कंडीशन मानी थी कि सपोज आपका जो सॉल्यूट है वो ज्यादा वोलेटाइल है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, तो उस केस में जो आपका टोटल प्रेशर निकल के आ रहा था वो कितना था, दैट इज पी बी नॉट, ठीक है, प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और साथ में क्या था यहां पर एक्स ए। ठीक है, ये वैल्यू आपने तब निकाली थी जब आपकी पी ए नॉट की वैल्यू पी बी नॉट से बड़ी है, तब आपको ये प्रेशर इस्तेमाल करना था। देखिए अगर आप घर पे अगर आप ये चीज पढ़े थे तो आप दूसरी कंडीशन लगा के खुद से चेक कर सकते थे, बहुत सारे स्टूडेंट ने किया भी होगा। सो फाइनली यहां पर हमने एक्चुअल में कहा, ये कंक्लूजन कैसे निकाला था, जब हम एक्स बी की वैल्यू पुट कर रहे थे वन माइनस एक्स ए, ये तब निकाला था। क्लियर है? अच्छा,
सेकंड केस आप निकाल सकते थे, बहुत सारे बच्चों ने निकाला होगा कि अगर पीबी नॉट की वैल्यू पीए नॉट से बड़ी होती तो उस केस में आप किसको पुट करते एक्से को, एक्से इक्वल्स टू क्या होता वन माइनस एक्स बी वैल्यू पुट करते हैं, तब टोटल प्रेशर कितना आता, तब टोटल प्रेशर आता पीटी इज इक्वल टू पी ए नॉट प्लस पीबी नॉट माइनस पी ए नॉट अपॉन एक्से अपॉन एक्स बी, तो यहां पर आता एक्स बी। ये देखिए फाइनली यहां पर ये टोटल प्रेशर आ गया। तो हमारे पास देखिए यहां पर टोटल प्रेशर कब कौन सा इस्तेमाल करना है वो डिपेंड करेगा कि यहां पर प्योर कंडीशन में पार्शियल प्रेशर किसका बड़ा है, उसके रिस्पेक्ट में आपको टोटल प्रेशर को इस्तेमाल करना था जो मैंने आपको सिखाया। सो फाइनली ये फॉर्मूले हो गए। अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या दिखाना है, देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक तो हमें पीए की ये ग्राफ बनानी है जिसको इक्वेशन नंबर वन दे देता हूं नाम, एक हमें पीबी का ग्राफ बनाना है जिसको इक्वेशन नंबर टू दे देता हूं नाम, और एक ये जो बॉक्स में बंद है उसको दिखाना है इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे देता हूं नाम। सो चलिए आप खुद से सोचिए कि ये जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, ये कैसी लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से जाती है, इसका कंपैरिजन आप किसे कर सकते हो y is equals to mx से। अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ जानते हो जो कि बहुत सिंपल है, एक लाइन का इक्वेशन है ये y is equals to mx, उससे आप कंपैरिजन कर सकते हो इसका भी और इसका भी, मतलब ये तो ऐसी लाइन है जो कि ओरिजिन से जाते होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए तो। उस केस में y क्या है इसके अंदर पी ए और x क्या है दैट इज एक्स ए, इस केस में पी बी एंड x क्या है एक्स बी, सिंपल है। लेकिन जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन को जरा चेक करो क्योंकि ग्राफ में काम आएगा, थर्ड इक्वेशन मैं यहां पर लिख देता हूं, जो थर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन कैसे करोगे, उसका कंपैरिजन करोगे y is equals to mx plus c से। ये देखिए कर सकते हो कि नहीं, देखिए y is equals to mx plus c से उसका कंपैरिजन करोगे तो वहां पर कहां है, यहां पर देखिए ये तो तुम्हारे पास हो गया y दिखाई दे रहा है, ये हो गया c, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये देखिए ये है x और ये है m, ये एक ऐसा लाइन का इक्वेशन है जो कि c इंटरसेक्शन काटेगा कहां पर y एक्सिस पर, ये देखिए पी बी नॉट इंटरसेक्शन काटेगा y एक्सिस पर। तो आपको इस तरह से आपको क्या करना है लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, y इक्वल टू mx plus c है, ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगी जबकि ये दोनों ओरिजिन से शुरू होंगी। तो कंपैरिजन देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, सपोज पहली लाइन का ग्राफ बनाना है तो देखिए ये हमारा y एक्सिस ये हमारा x एक्सिस, पहली लाइन का इक्वेशन बना रहा हूं बड़े ध्यान से देखिएगा, ये y एक्सिस ये x, अच्छा y एक्सिस पे क्या लिखूंगा, y एक्सिस पर लिखूंगा मैं PA, लिखूंगा कि नहीं, लिख दिया इस तरह से PA बढ़ेगा, x एक्सिस पे क्या लिखूंगा, x एक्सिस पे लिखूंगा XA, हाँ या ना। अब XA शुरू कैसे हो रहा है, देखिए यहां पर XA की वैल्यू जीरो है, आप सबको पता है ये तो ओरिजिन है, यहां XA की वैल्यू जीरो होगी और धीरे धीरे क्योंकि मोल फ्रैक्शन XA ज्यादा नहीं होता, तो सपोज ये वाली लाइन है जहां पर XA की वैल्यू वन है, बड़े ध्यान से देखिएगा ये वाली लाइन है जहां पर XA की वैल्यू वन है, ये वाला पॉइंट हो गया, तो आपका ये ग्राफ कैसा बनेगा जरा चेक करो, आपको क्या करना है ये ग्राफ बनाना है, बड़े ध्यान से चेक करिएगा PA इज इक्वल्स टू PA नॉट XA। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, यहां पर दो कंडीशन लगा लो क्योंकि आपको XA की वैल्यू पता है, XA की वैल्यू जीरो रखो इसके अंदर तो PA की वैल्यू कितनी आएगी, PA की वैल्यू कितनी आएगी जरा चेक करो, XA की वैल्यू जीरो रखो तो PA की वैल्यू जीरो, तो वो पॉइंट कौन सा हो गया, यही तो पॉइंट है, XA की वैल्यू यहां भी जीरो है और PA की वैल्यू यहां जीरो है, सबको समझ में आ गया। अब सेकंड केस पकड़ो इसका, जब एक्स की वैल्यू तुम यहां वन रख दोगे, रखो वन, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम वन हो सकती है, वन रखा तो पीए की वैल्यू कितनी आ गई, पीए की वैल्यू पीए नॉट के इक्वल है, तो पीए की वैल्यू पीए नॉट के इक्वल रखो, देखो एक्स इक्वल टू वन का है ये रहा, तो पीए की वैल्यू पीए नॉट के इक्वल है। अब यहां पर कहीं ले लो पीए नॉट, देखिए यहां पर पीए नॉट मैंने लिया और ये कंडीशन जरा चेक करो क्योंकि ये वाला ग्राफ बनाना तो पीए नॉट बड़ा है, तो मैं यहां पर एक्स इक्वल टू वन पर पीए नॉट की वैल्यू कहीं ले लेता हूं, मान लो कि ये पीए नॉट है, सपोज ये पी ए नॉट है, सबको समझ में आ गया। तो हमें किसी लाइन के अगर दो पॉइंट मिल जाए तो हम लोग सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहां पर देखिए ये लाइन ड्रॉ हो गया, बड़े ध्यान से देखिएगा ये लाइन हमारा ड्रॉ हो गया, ये देखिए सबको समझ में आ गया ये लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। तो अब क्या कर सकते हो, यहां से एक लाइन खींच लो, थोड़ा सा कंपेरिजन आसान हो जाएगा, नीचे की तरफ एक लाइन खींच लो, ठीक है ये नीचे आ गया, ये हमको मालूम पड़ रहा है कि भाई एक्स इक्वल्स टू वन वाला लाइन है, ठीक है तो जरा ध्यान से इसको देखो। अब देखो ये जो सेकंड वाला ग्राफ है वो भी मैं यही बना देता हूं, कैसे बनाऊंगा, सपोज ये देखिए खुद से चेक करिए कि यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो है, मैं मान लेता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्स बी की वैल्यू जीरो है, दूसरा ग्राफ मैं इसे कंपैरिजन बना रहा हूं, यहां पर एक्स बी की वैल्यू जीरो है सपोज, और यहां पर क्या लिया हमने एक्स बी की वैल्यू वन, मुझे दूसरा ग्राफ नहीं बनाना पड़े, मैं यही बना देता हूं, यहां पर एक्स ए की वैल्यू जीरो थी तो यहां पर मैं एक्स बी की वैल्यू तो जीरो नहीं ले सकता हूं, तो सेम ही लाइन बन जाएगी, तो उस केस में मैं एक्स बी की वैल्यू यहां जीरो ले रहा हूं और यहां पर एक्स बी की वैल्यू वन ले रहा हूं, और ट्रीट कैसे कर रहा हूं, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब इस लाइन को और इस लाइन को एक बार भूल जाओ,
ठीक है। अब इस लाइन के लिए ड्रॉ करूंगा तो वही दो कंडीशन लगाओ। इस केस में क्या करोगे, सबसे पहली कंडीशन कि एक्स बी की वैल्यू जीरो होगी, चेक करो एक्स बी की वैल्यू जीरो होगी तो उस केस में पीबी की वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के, चेक करो एक्स बी की वैल्यू जीरो रख दो तो पीबी की वैल्यू जीरो है। वो कहां है पॉइंट, ये रहा, जरा चेक करो ये एक्स बी की वैल्यू जीरो है तो उसमें पीबी की वैल्यू भी जीरो है, जरा चेक करो। अगर मैं बोल दूं कि ये जो एक्सेस है हमारे पास वो किसके इक्वल है, पीबी के, सपोज, तो ये है तो प्रेशर ही ना, क्या फर्क पड़ता है, पी ए नॉट भी क्या होगा, एक प्रेशर ही तो होगा, तो प्रेशर की तो लाइन है तो यहां पर प्रेशर काउंट हो सकता है, ये एक वैल्यू है, ये भी, ये तो एक्सेस है और ये एक वैल्यू है, और ये वैल्यू कुछ हो सकती है 10, 20, 30। कई लोग कहेंगे पीबी और ए, पी ए नॉट एक साथ कैसे आ गया, बच्चों ये तो एक्सेस है और ये कोई एक पार्शियल प्रेशर है जो एक वैल्यू है, तो ये वैल्यू को तो रिप्रेजेंट कर रही है, क्या फर्क पड़ता है यहां लिख दिया तो। अच्छा अब यहां पर एक्स बी की वैल्यू जीरो है और पीबी की वैल्यू जीरो है तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब आप क्या करो, यहां सेकंड कंडीशन लगाओ, यहां पर जब आप एक्स बी की वैल्यू वन रख दोगे तो बताइए पीबी की वैल्यू कितनी आएगी, उस केस में पीबी की वैल्यू आपके पास आ रही है पीबी नॉट के इक्वल। अब यहां पर खास बात पर आ जाओ, हमें पता है पीबी नॉट पीए नॉट से छोटा है, आपने इस पॉइंट को पीए नॉट लिया है तो हमको पीबी नॉट जो है पीए नॉट से छोटा बनाना है, बना दीजिए, यहां इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, प्रेशर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारे पास पीए नॉट तो मैं थोड़ा नीचे बनाऊंगा, ये हमारे पास सपोज पीबी नॉट। अब मैंने इधर क्यों बनाया, जरा चेक करो यही है एक्स बी की वैल्यू वन, क्योंकि कंडीशन क्या थी, जब आप एक्स बी की वैल्यू वन रखोगे उस केस में पीबी की वैल्यू पीबी नॉट के इक्वल है, इस चीज को समझें। चलो तो एक्स बी की वैल्यू यहां है वन, उस केस में पीबी की वैल्यू पीबी नॉट के इक्वल है, तो यहां पर ये वाला पॉइंट मान लेते हैं। अब हमें दो पॉइंट मिल गए किसी लाइन के तो ग्राफ खींच सकते हो, तो खींच लो, ये लो ये ग्राफ बन गया, दिखाई दे रहा है, तो ये ग्राफ तो किसके लिए है, फाइनली ये ग्राफ तो बना हमारे पीए के लिए, ठीक है, और ये ग्राफ हमारा बना पीबी के लिए। अब इस ग्राफ और इस ग्राफ, मतलब इन दोनों का समेशन कर दूंगा तो मुझे पीटी मिल जाएगा, तो वो ग्राफ कैसा आएगा जरा चेक करो, यहां से लेके यहां तक, जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर भी दो पॉइंट लगाओ, ये देखिए कहां गया इस इक्वेशन, ये है हमारा टोटल प्रेशर, जरा चेक करो अब इसके लिए ग्राफ बनाना है तो बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, यहां पर सिर्फ एक ही मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, सबसे पहले एक्स ए की वैल्यू जीरो रखो, अगर आपने एक्स ए की वैल्यू जीरो रख दी तो पीटी किसके लाया, पीबी नॉट के इक्वल आया, चेक करो यहां पर कंडीशन कौन सी लगाओगे, अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है, मैं यहां बना देता हूं, देखो यहां पर कंडीशन क्या लगाओगे, सबसे पहले एक्स ए की वैल्यू जीरो रखो, उस केस में जो पीटी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, पीबी नॉट के इक्वल, तो पकड़ो एक्स ए की वैल्यू जीरो ये रही और पीटी की वैल्यू पीबी नॉट के इक्वल है, वो पॉइंट ये रहा, तुमको इस लाइन का फर्स्ट पॉइंट मिल गया, ये जो आपकी पीटी वाली है उसके लिए बात कर रहा हूं, या फर्स्ट पॉइंट मिल गया, बड़े ध्यान से देखो, जहां पर आपका कॉन्सेंट्रेशन खत्म होने लगे वहां ज्यादा फोकस करो, घबराओ मत, बिलीव इन यू, सब समझ में आएगा। सो फाइनली यहां पर क्या होगा, बेसिकली दिस इज पीबी नॉट। अब क्या करो, सेकंड कंडीशन लगाओ, जब एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाए वन, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्स ए पर डिपेंडेंट है, जब एक्स ए की वैल्यू वन हो जाए उस केस में पीटी का वैल्यू निकालो कितना आ रहा है, जब एक्स ए की वैल्यू वन रख दोगे तो वन रखो तो पीबी नॉट से पीबी नॉट कैंसिल हो गया तो किसके इक्वल आ जाएगा, पीए नॉट के। तो देखिए यहां पर एक्स इक्वल टू जीरो पर ये वाला पॉइंट था, एक्स इक्वल टू वन ये रहा, उस केस में ये वाला पॉइंट है, तो इसका मतलब किसी लाइन के दो पॉइंट मिल जाए तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हो, तो फाइनली ये आपका लाइन हो गया किसका, टोटल प्रेशर का। नाउ दिस इज योर टोटल प्रेशर विच इज इक्वल टू पी ए प्लस बीबी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को समझोगे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिक्सचर्स को समझोगे, क्योंकि अगर आप ये ग्राफ समझ पा रहे हो तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये फाइनल ग्राफ बना आपका किसका, रोल्ड लो के फर्स्ट केस का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट को आपको मैं फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो को वापस से पीछे जाओ वीडियो में, फिर से ये समझो कि हमने ग्राफ ड्रॉ कैसे किया, जो कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को बार बार इस्तेमाल करेंगे, ये रोल्ड लो का ग्राफ है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, ये रूट लो का फर्स्ट केस खत्म हो गया, अब हम रूट लो के सेकंड केस की तरफ बढ़ेंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको लिख लो। सो चलिए गाइस, रूट लो का सेकंड केस लेते हैं। अब सेकंड केस क्या है जरा चेक करो, लिखिए मेरे साथ साथ कि केस नंबर टू क्या है। नाउ द केस नंबर टू इज, जब हम क्या करें यहां पर, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ले और उसको हम लोग डाल दें किसके अंदर, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर। हमारा सॉल्वेंट जो है वो तो वोलेटाइल ही है, ठीक है। अब अगर इस वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने गलती से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। और एक्चुअली अब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको केस, उसको हम लोग आर एल वी पी भी कहते हैं, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आर एल वी पी मेरे साथ लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जरा समझे इसका मतलब क्या है, इस नाम का मतलब क्या है और इस कॉन्सेप्ट से क्या होगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। सपोज हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट था, ये देखिए यहां पर एक प्योर सॉल्वेंट लिया
और उस सॉल्वेंट का नाम हम रख देते हैं ए, ठीक है। अब ये प्योर है, प्योर है तो इसके सरफेस पर सिर्फ इसी के मॉलिक्यूल्स होंगे, सही है या नहीं है? और मैंने आपसे कहा क्योंकि ये वोलेटाइल है तो इसको बंद करके रखा है, ये वोलेटाइल है तो यहां पर ये वेपर भी इसकी मौजूद होगी इस बीकर में, हा या ना? मतलब ये लिक्विड फॉर्म में भी होगा और गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में भी होगा, और अगर ये वेपर फॉर्म में है तो ये कुछ प्रेशर बना रहा होगा, और इसका प्रेशर हम लोग मान लेते हैं प्योर कंडीशन में पीए नॉट मान लेते हैं, ठीक है। अभी ये प्योर है, यहां पर ये जो सॉल्वेंट है वो प्योर है, और ये प्योर सिचुएशन में जो वेपर प्रेशर यहां पर बना रहा है उसको पीए नॉट मान लेते हैं, जैसे कि हम लास्ट वीडियो तक करते आए, लास्ट टॉपिक तक भी करते आए। अब अचानक से आपने क्या किया, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया जो कि खुद वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल है, अगर आपने उसको डाल के एक सोल्यूशन तैयार किया, जरा चेक करो, अगर आपने उसको डाल के एक सोल्यूशन तैयार किया तो होगा क्या, अब सॉल्यूट के पार्टिकल भी तो जगह ले लेंगे सरफेस पर। तो देखिए यहां पर ये इस तरह से मैं उसको दिखा देता हूं, ये सरफेस है और यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अब दोनों के पार्टिकल हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे दिखाएंगे, सपोज ये वाले सॉल्यूट है जो लाइन से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, सर्किल के अंदर लाइन दिखाई दे रही है, वो सॉल्यूट है। अब सरफेस पर पहले सॉल्वेंट पूरा सरफेस पर था, अब तो सॉल्वेंट पूरा सरफेस पर नहीं है, सरफेस के मॉलिक्यूल, सरफेस पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हो गए कम, इसका मतलब अब प्रेशर, वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहां पर वेपर प्रेशर, अब क्योंकि सॉल्यूट तो यहां नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूट के तो वेपर बनेगी नहीं, वेपर सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेगी, सॉल्वेंट की। ये है हमारा सॉल्वेंट ए टाइप का, ये है हमारा सॉल्यूट जो कि बी टाइप का है, ये है नॉन वोलेटाइल, मैं लिख देता हूं, ये है नॉन वोलेटाइल, जबकि हमारा ए था वो वोलेटाइल था जो ऊपर दिख ही रहा है आपको। अब सिर्फ वेपर किसकी बनेगी, ये वोलेटाइल की बनेगी जो कि सॉल्वेंट है, और एक्चुअली पहले से कम बन रही है क्योंकि यहां पर क्या हो गया है, सरफेस पर उसकी क्वांटिटी कम हो गई है। सो फाइनली मैं मान लेता हूं कि अब जो वो प्रेशर बना रहा है वो कितने बना रहा है, पीए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया भी था कि वेपर प्रेशर जो होता है वो प्योर लिक्विड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन, ये हमने वेपर प्रेशर में पढ़ा था, अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो वहां पर हमने ध्यान से देखा भी था। अब आप एक बात बताइए, यहां पर जो पीए का वैल्यू होगा किसके इक्वल होगा, पीए इसके अंदर, मैं किस केस की बात कर रहा हूं, इस केस की बात कर रहा हूं जो यहां लिख रहा हूं, जो यहां पर पार्शियल प्रेशर बनेगा सॉल्वेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि उसके मोल फ्रैक्शन कितने प्रेजेंट है इसके अंदर, मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर मोल फ्रैक्शन एक्स से प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो पीए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, जो हमने पिछली बार लिखा पीए नॉट एक्स ए, ये वही चीज है जो आप कहां कर चुके हो, केस नंबर वन में कर चुके हो, लेकिन केस नंबर वन और टू में क्या अंतर है, यहां पर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अब आप खुद सोचो हुआ क्या, यहां पे पहले प्योर सिचुएशन में वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज्यादा था, जैसे ही सॉल्वेंट में आपने सॉल्यूट डाल दिया उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, इसी को क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहां पर वेपर प्रेशर में कमी आ गई, रिलेटिवली आपको चेक करना है कि कमी कितनी आई। तो जरा चेक करो, अगर हम लोग ये चेक करें कि वेपर प्रेशर में डिफरेंस कितना आया है तो उसको लिख देते हैं डेल्टा पी से। अब बताइए कितना डिफरेंस आया है, पहले इसका वेपर प्रेशर था पीए नॉट, फाइनली इसका वेपर प्रेशर हो गया पीए, किसका, सॉल्वेंट का, और हमें यही चेक करना है कि वेपर प्रेशर में कमी कितनी है, डिफरेंस क्या आ गया, जरा उसको चेक करो। तो पहले पीए नॉट था, फाइनली पीए हो गया, और हम जानते हैं कि पीए नॉट की वैल्यू पीए से ज्यादा होगी क्योंकि प्योर सिचुएशन में वेपर प्रेशर ज्यादा बनता है, ये हम जानते हैं। तो चलो पीए की वैल्यू उठा के रख दो, यहां से अगर मैंने पीए की वैल्यू उठा के रख दिया तो डेल्टा पी किसके इक्वल आया, दैट इज पीए नॉट माइनस पी, पीए की वैल्यू ये रही, इसको उठा के रखे तो क्या बनेगा, पीए नॉट इनटू एक्स ए, और फाइनली डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहां से पीए नॉट की वैल्यू कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा, वन माइनस एक्स ए, हाँ या ना। अच्छा, अब हमें सबको पता है किसी सॉल्यूशन के अंदर एक्स ए प्लस एक्स बी यानी कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होते हैं, वन के। सो फाइनली वन माइनस एक्स ए ये किसके इक्वल होगा, xb के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये देखो फाइनली xb के इक्वल होगा, 1 माइनस x इज इक्वल टू xb, उसकी वैल्यू रख दो। सो यहां पर डेल्टा p अपॉन ये pa नॉट की वैल्यू नीचे ले जाओ, व्हिच इज इक्वल्स टू हाउ मच xb, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए यहां पर रिलेटिव लोवरिंग आ गई, रिलेटिव मतलब रेशनल कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, पहले उसकी कितनी थी pa नॉट, फाइनली कितने की कमी आ गई, वो रिलेटिवली किससे मेजर कर रहे हैं हम लोग, pa नॉट के कंपैरिजन से, यानी कि इसी को देखो, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, आर एल वी पी, यही कहलाता है आर एल वी पी, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जब आप रिलेट करते हो, जब आप रेशियो निकालते हो, उसको रिलेटिव लोवरिंग बोलते हैं। तो यहां पर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है, बड़े मजे की बात है, जो सॉल्वेंट में कमी आई है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। आप खुद ही सोचो यहां पर कमी क्यों आई, क्योंकि आपने सॉल्यूट ऐड करा,
तो फाइनली एक्चुअल में वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है, और रोल्ट का सेकंड केस भी यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं डेल्टा पी की वैल्यू उठा के रख दूं, ये रही ये डेल्टा पी की वैल्यू है, फाइनली अगर ये वैल्यू उसके अंदर उठा के रख दूं तो फाइनली क्या बन रहा है, देखो पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन नीचे क्या लिखा है पी ए नॉट विच इज इक्वल्स टू एक्स बी, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और यही स्टेटमेंट था केस नंबर टू का, जिसमें हम लोग क्या चेक करते हैं कि द रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन द केस ऑफ व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू वोलेटाइल सॉल्वेंट इज इक्वल टू एक्स बी, यानी कि किसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी फैक्टर को हम लोग आरएलवीपी बोलते हैं. अच्छा, अब एक्स बी की वैल्यू रख दो. सपोज यहां पर मैंने क्या किया, ये एज इट इज ही है, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट. अच्छा, अब एक्स बी क्या होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, है ना. अब मैं यहां पर कंडीशन लगा दूं, सपोज लेट मैं यहां लिख देता हूं कि यहां पर मैंने क्या लिख दिया, दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कि सोलवेंट के जो मोल है वो एज कंपेयर टू सोल्यूट मोल बहुत ज्यादा है. तो मैं नीचे वाले फैक्टर में क्या लिख सकता हूं, दैट इज एन बी अपॉन, मैं यहां एन ए प्लस एन बी को सीधे एन ए लिख सकता हूं, हाँ या ना, क्योंकि इसके कंपेरिजन में ये बहुत ज्यादा है, तो रिलेटिवली इसको हम लोग एन बी अपॉन एन ए लिख सकते हैं, हाँ या ना. सो फाइनली यहां पर क्या आ गया, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट विच इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए. अच्छा, एन बी का वैल्यू किसके इक्वल होता है, दैट इज मास ऑफ बी, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सही है. एन ए किसके इक्वल होता है, दैट इज मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोलवेंट, सही है. सो फाइनली यहां से आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हो. बहुत बार मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछा जाता है, किसके इक्वल होता है, मैं यहां लिख देता हूं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगर आपने आपको बताया नहीं कि सोल्यूट कौन है, तो आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल के आइडिया लगा सकते हो. ये फॉर्मूला है जिसको यूज कर सकते हो. सपोज आपको नहीं बताया कि सोल्यूट कौन है, तो आप मोलर मास तो नहीं निकाल पाओगे सोल्यूट का, क्योंकि आपको पता ही नहीं कौन है. तो उस केस में आपको यहां पर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताएगा. नाउ दिस इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो एनबी की वैल्यू किसके बराबर होगी, जरा चेक करो. तो देखिए यहां पर क्या लिखोगे, डब्ल्यू ए, और यहां लिखोगे आर एल वी पी, लिख दिया, और साथ ही साथ ऊपर क्या हमारे पास डब्ल्यू बी अपॉन एम ए, तो यहां पर ये हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम ए. तो ये आपके पास फॉर्मूला हो गया मोलर मास निकालने का, किसका मोलर मास निकालने का, सोल्यूट के मोलर मास को निकालने का. सो फाइनली यहां पर हमारा केस नंबर टू भी खत्म हो गया, जो हमसे ये कहता है कि अगर कोई ऐसा सोलवेंट है जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया है, तो उसके अंदर जो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा. सबको समझ में आ गया. सो फाइनली ये इसका मतलब लगता है, निकलता है, ये केस नंबर टू हमारा खत्म हो गया, मतलब रोट लो के दोनों केसेस हमने फिनिश कर लिए. अब हम आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में. टिल देन बहुत ही ईमानदारी से इसको बार बार देखकर कॉपी में नोट करके बड़े ध्यान से इसको चेक कर लीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया. नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्या चीज़ समझ में नहीं आई, आई विल आंसर दैट. और बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए. आपके आज का होमवर्क, आज की इस वीडियो का होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. इस वीडियो को खत्म करते ही आप सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, और उसके बाद वो वीडियो में जो भी लिखा है उसको खत्म करिए. मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हमें कोर्स जल्दी खत्म करना है, तो उसमें आपके एफर्ट भी काम देंगे. आप जैसे ही सॉल्यूशन में यहाँ पर कंपैरिजन, यहाँ पर आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो अनअकैडमी के ऊपर जो सॉलिड स्टेट दिया उसको कंप्लीट कर लिए साथ में. वहां पर सॉलिड स्टेट के मैं लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होमवर्क देता हूं उसको भी साथ में टाइम टू टाइम खत्म करिए, तो हम लोग फाइनली अपने एम की तरफ बढ़ पाएंगे. सो बिलीव इन योर सेल्फ, जो मैं काम दे रहा हूं वो साथ साथ करते जाइए. अगली वीडियो का जैसे ही नोटिफिकेशन मिले, जैसे ही आपको समय मिले, तुरंत उसको देखो. चलो अगली वीडियो मिलते हैं. टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट.